अगर किसी ने एक कदम भी वीरू की तरफ बढ़ाया तो उसे मेरी लाश पर से गुजरना होगा। तो फिर आज हम तुम्हारी लाश पर से भी गुजर कर दिखा दूंगा। आज इसका वजह से पूरा समाज के सामने हमरा नाक कट गया। अभी सगाई का रसम इसका आंख का समन्वय होगा। देख दो, सजाओ तुल इनको। परशुराम बिहारी, अपना हाथ जेब में रख लो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नजर लग जाए और तुम्हारा हाथ धड़ से अलग हो जाए। मेजर, ये तुम्हारा ही कैडेट है ना? इसने इन पैरों से चलकर मेरे घर में घुसने की गलती की। मैंने इन पैरों की यह हालत कर दी है कि यह जिंदगी भर खड़ा होकर चल नहीं सकेगा। और यह हाथ, इनसे इसने मेरी बहन को छुआ तोड़ दिए हैं मैंने। अब यह हाथ फैलाकर भीख भी नहीं मांग सकेगा। तुम्हारे जवान को जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा बना दिया है मैंने मेजर, जो खड़ा होकर चल नहीं सकता, सिर्फ रेंग सकता है। अगर कभी इसे होश आ जाए तो इसे कह देना कि शंकर की हवेली की तरफ सर उठाने की हिम्मत भी ना करे। Civilian, हिंदुस्तानी फौज का जवान जमीन पर रेंगता नहीं, उसकी गर्दन भी अगर कट जाए तो भी वो आगे बढ़ता जाता है। तुमने मेजर राणा के कैडेट को कीड़ा कहा, जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा। ये कीड़ा भी इसी वक्त अपने पैरों पर चलकर मेरे पास आएगा। तुम देखना, देखना तुम। कैडेट वीरेन प्रताप, तुम्हें तुम्हारे जिस्म की आखिरी सांस की कसम, हो जाओ और खड़े हो जाओ अपने पैरों पर। अब यह जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, उन सब जवानों की हो गई है जिन्होंने हमेशा जीतना सीखा है, हारना नहीं। कमान कमान कैडेट, बॉय सेट कैडेट। Cadet Viren Pratap Singh, get up on your feet and walk. This is an order. Thank you.
भाई साहब, वरना देखा तुमने, मेरा कैडेट जमीन के कीड़े की तरह रेंगा नहीं, अपने पैरों पर चलकर मुझ तक पहुंचा, और इन्हीं पैरों पर चलकर एक दिन वो तुम्हारे घर के अंदर घुसेगा, तुम्हारी बहन को अपने हाथों में उठाकर यहां ले आएगा, और तुम सिर्फ देखते रह जाओगे। और एक बात सुनते जाना, तुम वही हो ना जो अपनी टोपी उल्टी पहनते हो, आज के बाद अपनी टोपी सीधी पहनना, क्योंकि जिस दिन मैं गोली चलाऊंगा तुम्हें टोपी उल्टी करने का वक्त नहीं मिलने वाला। हम आर्मी वाले पीछे से नहीं सामने से वार करते। आए अंग्रेजी बाबू, कुत्ता चाहे देसी हो या विदेशी, दरवाजा पे खड़ा होकर खूब भौंकता है भौको, हम बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन वो लक्ष्मण रेखा पार करने का गलती नहीं ना करना। काहे वहां तुम्हारा टेरिटरी खत्म होता है और परशुराम बिहारी का शुरू होता है, वो बुड़बक गलती किया, टेलर दिखा दिया उसको। लेकिन 9 से 12 का सो अभी बाकी है। परशुराम बिहारी, तुम्हारी टेरिटरी सिर्फ 4 फुट की है परशुराम बिहारी, जो इस शहर से शुरू होकर के इसी शहर में दम तोड़ देती, लेकिन हम आर्मी वालों की टेरिटरी हिमालय की बुलंदी से शुरू होकर गंगा सागर की कोख तक जाती। तुम दोनों ने अगर इसके टुकड़े करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगा गिनते गिनते तुम्हारी औलाद पूरी हो जाएगी। ये मेरा वादा है तुमसे, याद रखना। हम भी आ रहे, अभी बाकी है। परशुराम भी आ रही, तुम्हारी टेरिटरी सिर्फ 4 फुट की है परशुराम भी आ रही, जो इस शहर से शुरू होकर के इसी शहर में दम तोड़ देती, लेकिन हम आर्मी वालों की टेरिटरी हिमालय की बुलंदी से शुरू होकर गंगा सागर की कोख तक जाती। तुम दोनों ने अगर इसके टुकड़े करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगा गिनते गिनते तुम्हारी औलाद पूरी हो जाएगी। ये मेरा वादा है तुमसे, याद रखना। आउच, रिलैक्स सन, रिलैक्स। माता, बचपन में मेरी माँ को छीनकर बड़ी बेइंसाफी की थी ऊपर वाले ने, लेकिन अब लगता है उसे मुझ पर दया आ गई है, इसलिए तो उसने तुम्हें भेज दिया मेरी मदर बनाकर। मुझे माँ कहना तुम्हें अच्छा लगता है तो जरूर कहो, लेकिन एक माँ के सामने उसका बेटा खून में नहाकर आए, ये उससे कभी अच्छा नहीं लगता। नहीं मदर, मैंने खून नहीं बहाया, मैं तो झोली फैलाकर प्यार की भीख मांगने गया था। भीख में सिर्फ सिक्का मिलता है, वो भी खोटा है, और तुम प्यार की भीख मांगने चले गए। तुम्हारी रगों का खून सूखकर जम ना गया हो तो 5 मिनट के अंदर पीटी ग्राउंड में मिलोगे। जे, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? इसके जिस्म में इतनी भी ताकत नहीं है कि उठकर खड़ा हो सके, और तुम, ये बेचारा मर जाएगा। मर जाने दो, मैं चाहता हूं हिंदुस्तान का हर आदमी जिए तो शेर की तरह जिए, वरना पैदा होते ही मर जाए।